पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के बयान के बाद कराची आग की लपेट में आ गया। कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों से ज्यादा गाड़ियां, दुकानें और होटलों को आग लगा दी गई। शहर की कशीदा सूरतहाल के बायस आल कराची इत्तेहाद ने भी कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया, जबकि आल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने भी ट्रांसपोर्ट बंद रखने का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस सड़कें सुनसान और वीरान दिखाई देती हैं। जरिया मुआश पर जाने वाले अफराद को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। घर हमारे जल रहे हैं, नुकसान हमारा हुआ, गाड़ियाँ जल रही हैं, सब चीज़ का हमारा नुकसान है। हुकूमत ने तो खाली बयान जारी कर देने, पंप बंद है, सारी कारोबार बंद हो गया है, लोग वैसी गुरबत के अंदर मर रहे हैं और मजीद मारा जा रहा है लोगों को। और एक घंटे से खड़े हुए इंतजार में बस के, और कोई बस नहीं है, परेशान है, बहुत शहर का बुरा हाल है इस वक्त। कोई रोजगार का कोई हिसाब ही नहीं है, रोडों पे सन्नाटा पड़ा हुआ है। शहर में पैदा होने वाली बदअमनी के सबब तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हो गयी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में आज होने वाले तमाम इम्तिहान भी मुलतवी कर दिए गए।